नमस्कार, टेन शेयर्स में आपका स्वागत है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क गुरुवार को थोड़ा नीचे बंद हुए। निफ्टी इंडेक्स 25,150 से नीचे बंद हुआ। एनएसई पर वीकली इंडेक्स ऑप्शंस एक्सपायरी के कारण अस्थिरता बढ़ गई थी। प्रमुख अमेरिकी आर्थिक डेटा रिलीज की सीरीज से पहले निवेशकों की धारणा सतर्क रही, जो ब्याज दर में कटौती पर फेडरल रिजर्व के फैसले को प्रभावित कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड ने 1:1 के बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी है। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को एल्बेंडाजोल टैबलेट के लिए USFDA की अंतिम मंजूरी मिल गई है। विप्रो को नेट जीरो टारगेट के लिए JFK इंटरनेशनल एयर टर्मिनल द्वारा एनलिस्टेड किया गया। एक्सिस बैंक ने कुल 3,925 करोड़ रुपए के NCD आवंटित किए। भारतीय एयरटेल ने जुलाई 2024 में हासिल किए गए एडिशनल स्पेक्ट्रम की तैनाती पूरी कर ली है। फिनोलेक्स केबल्स बोर्ड ने चेयरमैन में बदलाव को मंजूरी दी। APL अपोलो ट्यूब्स को इकरा से LT क्रेडिट रेटिंग में अपग्रेड प्राप्त हुआ है। रेडिको खेतान ने 8 भारतीय सिंगल माल्ट व्हिस्की की रामपुर जुगलबंदी सीरीज में अगली 2 व्हिस्की पेश की। प्रीमियर एनर्जीज को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए 215 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कैन फिन होम्स ने DGM और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सिखिन तनु शॉ के इस्तीफे की घोषणा की। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रेलवे टेलीकॉम प्रोजेक्ट के लिए उत्तर रेलवे से 10.92 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ है। दिलीप बिल्डकॉन ने 1,341 करोड़ रुपए की कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन परियोजना के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। रेट गेन ने अफ्रीका की प्रमुख एयरलाइन टैग अंगोला एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बोर्ड ने 1,400 करोड़ रुपए तक के NCD जारी करने को मंजूरी दी। L&T फाइनेंस ने कुल मिलाकर 175 करोड़ रुपए के NCD आवंटित किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 10 शेयर्स।